हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमर क्रोशे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावर क्रोशे से बना हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम ये फ्लावर बनाना जो है वो सीखेंगे। इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये मैंने बीड्स जो यूज़ किए हैं, हमें कुछ बीड्स चाहिए होंगे और क्रोशिया हुक चाहिए होगी, एक इस तरह की हमें नीडल चाहिए होगी बड़ी वाली और वूल चाहिए होगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस थ्रेड में हम ये बीड्स जो हैं वो पिरो लेंगे इस तरह से एक एक करके। यहाँ पे हम ये बीड्स जो हैं अपने ये धागे में इस तरह से पिरो लेते हैं जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये बीड्स जो हैं इस तरह से अपने थ्रेड में पिरो लिए हैं। अब हम ये नीडल जो है वो इसको यहाँ से निकाल देंगे। और फ्लावर बनाने के लिए हमें ये रिंग्स भी चाहिए होंगे। यहाँ पे मैंने दो रिंग्स जो हैं वो ले लिए हैं। अब हम इसको कवर करेंगे। ये फ्लावर जो है ये आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वॉल डिकोर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, विंडो वगैरह जो है उसके कर्टन बनाने हो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम ये रिंग्स जो हैं वो इस तरह से कवर करेंगे। रिंग को कवर करना मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि किस तरह से हम ये रिंग्स जो हैं वो कवर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चेन बना लेते हैं और फिर यहाँ पे जैसे हम बनाते हैं सिंगल क्रोशे स्टिच, उसी तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशे स्टिच लेते हुए हम इन दोनों रिंग्स को इस तरह से जॉइन कर देंगे और ये पूरे रिंग्स को हम इसी तरह से कवर कर देंगे। तो बहुत आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा वक्त जो है वो इसके लिए चाहिए होता है और आप बहुत खूबसूरत चीज़ें जो है वो बना सकते हैं जी। यहाँ पे हमने ये रिंग्स को कवर कर लिया है। अब हम स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे और इसके बाद हम दो चेन बना लेंगे इस तरह से और फिर हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे अब हम 15 जो हैं वो डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ भी। यहाँ पे हम 15 डबल क्रोशे स्टिच बना लेंगे। जी यहाँ पे हमारे 15 स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीड्स हमने इस धागे में पिरोए थे उसमें से एक बीड जो है उसको हम नेक्स्ट स्टिच के साथ इसमें इस तरह से करेंगे। ये देखिए हमने एक बीड जो है यहाँ पे इसको होल्ड करना है थंब के साथ इसको इस तरह करके और फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने डबल क्रोशे स्टिच बना लेना है। ठीक है, तो ये जो बीड है वो इस तरह ये सेंटर में आ जाएगा। फिर दोबारा से हम 15 डबल क्रोशे स्टिच बना लेंगे जी। यहाँ पे मैंने 15 डबल क्रोशे स्टिच बना ली है दोबारा से। अब फिर हमने ये बीड जो है वो इसमें एडजस्ट कर लेना है इस तरह से इसको। फिर अब नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशे स्टिच बना लेंगे और ये सेंटर में आ जाएगा।
इस तरह से, ठीक है। तो बाकी जो रह गए रिंग उसमें हम इसी तरह करते जाएंगे कि 15 जो हैं वो डबल क्रोशे स्टिच बना लेंगे और हर 15 स्टिचेस के बाद फिर हम ये बीड जो है वो उसमें लगा देंगे। जी यहाँ पे हमने ये अपना राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे और फिर अपना ये जो नेक्स्ट राउंड है यहाँ पे हमने अभी लीव्स इसके बनाने हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम चेन्स बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह से अब हम इसको देख लेते हैं, जितना हमने बड़ा लीव बनाना है उस हिसाब से हमें यहाँ पे चेन बनाने होंगे। यहाँ पे मैंने ये क्योंकि बड़ा फ्लावर बनाया था और यहाँ पे रिंग जो है वो भी बड़ा यूज़ किया था, तो इसलिए ये लीव्स थोड़े बड़े बनाए हैं। अभी चूँकि मैं यहाँ पे स्मॉल जो है वो फ्लावर बना रही हूँ तो यहाँ पे हम 15 ही चेन बनाएंगे। इस लीव के लिए यहाँ पे मैंने 20 चेन लिए थे और अब हम 15 चेन जो हैं वो बनाएंगे। चेन जो हैं वो कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, अगर लीव जो है वो बड़ा बनाना है, पेटल हमें बड़ी बनानी है तो हम ज़्यादा चेन बनाएंगे, अगर हमने छोटा बनाना है तो फिर हम कम जो है वो चेन्स बनाएंगे। तो अब हम इस तरह से नेक्स्ट जो चेन है उसमें हम इसको करेंगे। अब दोबारा से नेक्स्ट चेन जो है उसमें हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और फिर एक और सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेंगे नेक्स्ट जो स्टिच है, ठीक है। इस तरह से अब दोबारा हम क्या करेंगे, 15 चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और फिर हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट जो स्टिच है हमारा उसमें हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और फिर हमने क्या करना है, दोबारा जो नेक्स्ट दो हैं उसमें हम सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेंगे। यहाँ पे हमने दोबारा से दो सिंगल क्रोशे स्टिच बनाए, फिर अब हम दोबारा 15 चेन बनाएंगे और ये सारा राउंड जो है वो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। जी तो यहाँ पे हमने अपना ये राउंड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी पैटर्न्स जो हैं वो इस ये जो लूप्स हमने बनाई हैं इनमें बनाएंगे। तो वो किस तरह से बनानी है, यहाँ पे अब हम इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे पहले और उसके बाद हम इसमें डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे 1, 2, 3 जी यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे ये जो बीड है वो लगाएंगे। वो किस तरह से लगाना है, यहाँ पे हमने ये स्टिच लिया, इसके बाद इस बीट को हम इस तरह आगे की तरफ लेके आएंगे, फिर हम ये थ्रेड लेते हुए ये जो लूप है इसमें से ये निकाल देंगे और यहाँ पे ये इस तरह से बीट लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमने दोबारा से 8 स्टिचेस जो हैं वो सेम लूप के अंदर हमने लेने हैं। तो इस तरह से ये हमारी पेटल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हम दोबारा से 8 स्टिचेस जो हैं वो बना लेंगे।
जी यहाँ पे हमने दूसरी साइड पे भी ये स्टिचेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ से हमने ये स्टार्ट लिया था उसमें हम स्लिप स्टिच इस तरह से लेंगे, ठीक है, और ये पेटल जो है ये हमारी इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब ये जो नेक्स्ट है उसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से नेक्स्ट जो लूप है उस तरफ हम जाएंगे। ये दो जो हमने स्टिचेस लिए थे सिंगल क्रोशे स्टिचेस, उसमें हम स्लिप स्टिच लेते हुए अब नेक्स्ट लूप में इस तरह से एक स्लिप स्टिच ले लेंगे, और फिर उसी तरह से हम इन तमाम लूप्स के अंदर ये पैटर्न्स जो हैं वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। जी यहाँ पे हमने अपने सारी ये पैटर्न्स जो हैं ये कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इस जगह पे स्लिप स्टिच जो है उसके साथ इसको लॉक कर देंगे अब इस तरह से, और उसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम इस थ्रेड को कट कर देंगे। थ्रेड कट करने के बाद हम इसको यू टर्न करेंगे और ये जो धागा है इसको इस तरह से यहाँ पे नॉट लगाएंगे और इसको पक्का कर देंगे। और एक्स्ट्रा जो है उसको भी कट कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये फ्लावर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।